तो गाइस आज का जो टेम्पलेट है ना बहुत ही धासु टाइप का है और इसमें देखिए दो इमेज है, एक इमेज पे देखिए दो इफेक्ट हो रहा है, एक रेड इफेक्ट एक ग्रीन इफेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह किसी भी इमेज लगाकर या तो फिर आप खुद का इमेज लगाकर भी इस तरह स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं आपका फोन से। ओके, तो अगर आप इस तरह स्टेटस वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का और मतलब न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन होगा ना उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पहले एक लाइक कर दीजिए। इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम है एबी प्लेयर। एबी प्लेयर का लिंक आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद एकदम टॉप पे आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा एबी प्लेयर का। ऐप डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को आपको सिंपल सा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर में एक बॉक्स की तरह आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे लोड फॉर्म फाइल ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इधर आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा। टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद इधर फाइल मैनेजर पर जाना है। उसके बाद जिस फोल्डर पर डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर को ओपन करके टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इधर टेम्पलेट को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए एकदम लास्ट में जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए बैकग्राउंड पर कुछ इस तरह आ जाएगा। सबसे ऊपर में एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए इधर ऑडियो प्रोवाइडर का नीचे एक इमेज ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। वीडियो को पूरा देखिए तभी इस तरह स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो इधर देखिए राइट साइड में एक जनरल ऑप्शन है, जनरल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कास्ट इमेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करने के बाद इधर आपको इमेज को ऐड कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास एक इमेज है तो इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद देखिए इधर इमेज आया नहीं, इमेज लाने के लिए आपको क्या करना होगा, शो कराने के लिए ऊपर में देखिए जनरल ऑप्शन है, जनरल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो पोजीशन है पोजीशन पे क्लिक करना होगा और जो लेफ्ट साइड में जो डॉट है इसको आपको राइट साइड में लेके आना है 500 तक। ओके, तो इसको मैं 500 कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद देखिए इमेज पे थोड़ा ब्लैक टाइप का एक मतलब ब्लैक कलर है, देखिए इधर नीचे इधर। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर कलर की पे क्लिक कीजिए और इधर देखिए दो टिक है तो आपको ऊपर वाला जो टिक है उसको हटा देना है कुछ इस टाइप का। ओके, उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए उसका नीचे दो ब्लर इफेक्ट आपको मिल जाएगा, तो आपको फर्स्ट वाला जो ब्लर इफेक्ट है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक कीजिए और जो टिक है सॉरी जो बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसको क्लोज करके बैक आना है। उसका नीचे वाला भी सेम करना होगा, उस ब्लर इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, राइट साइड में जनरल पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स पे टिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए उसका नीचे टेक्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट साइड में अपीयरेंस पे क्लिक करना होगा। मेरा चैनल का नाम को ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से मेरा चैनल पे नाम को ऊपर क्लिक करके आप आपका चैनल का नाम या तो फिर अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इमेज जहाँ लिखा रहेगा छोटा करके टेक्स्ट पीएनजी, तो उस इमेज पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरेटेड एल्बम आर्ट, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो तीन नंबर पर टिक है इसको हटा देना है। उसके बाद देखिए इधर टेक्स्ट आ गया है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए इधर वीडियो को थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। इधर देखिए कॉम्पोजिशन वन है, कॉम्पोजिशन वन का नीचे जो इमेज लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट साइड में जनरेटेड एल्बम आर्ट पर क्लिक कीजिए और टिक है इसको आपको हटा देना है। उसके बाद क्लोज कर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कॉम्पोजिशन टू ऑप्शन है, टू का नीचे देखिए एक इमेज ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक कीजिए, कास्ट इमेज पे क्लिक करना होगा। पीक इमेज पे क्लिक करने के बाद इधर आपको दूसरा जो इमेज होगा उसको आपको ऐड करना है। तो मैं दूसरा इमेज को ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए इधर कॉम्पोजिशन थ्री ऑप्शन है, थ्री का नीचे एक इमेज ऑप्शन है, इमेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट साइड में एकदम नीचे देखिए जनरेटेड एल्बम आर्ट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके ये जो टिक है इसको आपको हटा देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए कॉम्पोजिशन फोर ऑप्शन है, फोर का नीचे देखिए एक इमेज ऑप्शन है, इमेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कास्ट इमेज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करने के बाद इधर आपको वही इमेज आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद देखिए इधर आपको
बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए इधर आ गया है, एक स्काई फिट हो रहा है, एक रेड फिट हो रहा है, ठीक है। ये ग्रीन नहीं, मैं पहले शुरू में बताना भूल गया था, ये ग्रीन नहीं, ये स्काई फिट है, ओके। तो इस वीडियो को आपको सेव करने के लिए, देखिए सेव करने से पहले आपको इधर गाना देना है। गाना देने के लिए लेफ्ट साइड में थ्री लाइन ऑप्शन है, थ्री लाइन पर क्लिक करके आपको लाइब्रेरी पर जाना होगा। लाइब्रेरी पर जाने के बाद इधर आपको गाना को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर से थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद विजुअलाइजर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को सेव करने के लिए राइट साइड में एरो आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इधर आपको छोटा सा एक सेटिंग करना होगा, वीडियो विथ और वीडियो हाइट। तो वीडियो विथ की जगह में लिख दीजिए 1080 और वीडियो हाइट की जगह में लिख दीजिए 1350। ये लिखने के बाद नीचे आके इधर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह और स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।